हाय गाइस, वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन। एंड आज की क्लास में गाइस डिस्कस करने वाले हैं सेमीकंडक्टर के पास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस। वैसे तो सेमीकंडक्टर सीरीज में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए थे, इनफैक्ट सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए थे, बट एलईडी, फोटोडायोड, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस रह गए हैं। उसी सीरीज में आज हम दूसरे वीडियो के थ्रू उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए, आज का जो पहला प्रश्न है आपके लिए वो ये रहा, जहां आपसे पूछा हुआ है कि जो ये सर्किट डायग्राम आप देख रहे हो ना, विच बल्ब आउट ऑफ B1 एंड B2 विल ग्लो एंड वाई। इनमें दो बल्ब लगे होंगे और आपने देख लिया होगा, तो इनमें से कौन सा बल्ब ग्लो करेगा और क्यों ग्लो करेगा। इसके बाद आपको बताना है एक डायग्राम बना के कि जो एलुमिनेशन होता है पीएन जंक्शन का सोलर सेल के केस में वो, और फिर आपसे पूछा है कि एक्सप्लेन ब्रीफली द थ्री फेजेस और द थ्री प्रोसेसेस ड्यू टू विच जनरेशन ऑफ ईएमएफ टेक प्लेस इन सोलर सेल। तो आप मेरी बात से सहमत होंगे, यानी कि आपको सवाल समझ आ गया होगा। अब इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये पेपर में 2017 में आया था क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो इस सर्किट में ना आपने सब कुछ ऑब्जर्व करना है, 9 वोल्ट के पोटेंशियल के साथ आपने सर्किट को कनेक्ट किया है। यहाँ पे दो साइकल्स दिख रहे होंगे आपको, एक इसमें और एक इसमें, दो डायोड्स है, दो बल्ब है, इनमें से कौन सा एलुमिनेट होगा, कौन सा जलेगा, यही बताना है। तो सबसे पहले कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बल्ब एंड द रीजन्स, तो आपको आइडेंटिफाई करना है, उसका आंसर देना है। तो हम इस स्टेप के हिसाब से क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले आप ना एक काम करो, डायग्राम ड्रॉ कर लो सोलर सेल का, राइट। उसके बाद आप प्रोसेस का नाम दे दो। देखो, तीन क्वेश्चंस थे, तो आइए एक एक करके आंसर डिस्कस करें। जैसा कि आपको पहले पार्ट में बल्ब के बारे में बताना है कौन सा ग्लो करेगा, तो आइए समझते हैं। देखो, जो B1 बल्ब है ना वो ग्लो कर जाएगा, बहुत सिंपल आंसर है इसका। आप ध्यान से देखो, ये जो B1 बल्ब है ये कनेक्टेड है D1 डायोड के साथ, और D1 डायोड जो है वो है फॉरवर्ड बायस में, यानी कि यहाँ पे देखो बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल डायोड के नेगेटिव साइड से कनेक्टेड है। तो फॉरवर्ड का यही रूल होता है, बैटरी के पॉजिटिव डायोड के नेगेटिव से कनेक्ट करना, यानी कि अपोजिट साइड्स को एक साथ कनेक्ट करो। अगर ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट है तभी तो यहाँ करंट फ्लो करेगा, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स के करंट, और अगर करंट फ्लो करेगा तभी तो ये बल्ब ग्लो करेगा। तो इसका ये प्रॉपर आंसर है। अगर मैं B2 की बात करूँ तो यहाँ पे ना ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव हो गए, जाहिर सी बात है रिवर्स बायस के केसेस में इसको आपने कनेक्ट कर दिया, करंट फ्लो नहीं करेगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, आंसर आएगा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। हमें सेकंड पार्ट में बोला था कि डायग्राम ड्रॉ करो, डायग्राम किसका बोला था, सोलर सेल का बोला था, जब वो एलुमिनेट होता है, राइट, एक पीएन जंक्शन को लेके। तो सबसे पहले ये पीएन जंक्शन है आपके सामने, इस पीएन जंक्शन में ये डिप्लीशन लेयर है, ये पी साइड है, ये एन साइड है, राइट। ऊपर से विंडो होता है, ठीक है, वहाँ से जितने भी लाइट के रेज है ना वो लाइट के रेज इस पर फॉल करते हैं, ओके। और उसके बाद इसको आपने कनेक्ट कराना होता है किस चीज़ से, जाहिर सी बात है कंप्लीट सर्किट के साथ। यहाँ पे आपने एक लोड या रेजिस्टेंस जो मर्जी है ये कह लो, आपने कनेक्ट करा के सर्किट को कंप्लीट करना है, और यही बहुत सिंपल सा एक डायग्राम है हमारे सोलर सेल का। तीसरे क्वेश्चन में, यानी कि इसी के तीसरे पार्ट में बेसिकली बोला हुआ था कि ब्रीफली एक्सप्लेन करो तीन प्रोसेसेस जिनके कारण ईएमएफ का जनरेशन सोलर प्लेस में टेक प्लेस करता है। तो आइए इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले जो जनरेशन है, इंसिडेंट लाइट रे जनरेट इलेक्ट्रॉन होल पेयर। जब लाइट रे इंसिडेंट करता है, सोचो ना, वही लाइट रे क्या करता है, एनर्जी कैरी करता है अपने साथ, वो एनर्जी जो है जिस सरफेस पे इंसिडेंट करता है वहाँ से क्या जनरेट कर देता है, इलेक्ट्रॉन और होल्स, ठीक है। उसके बाद सेपरेशन की बारी आती है, प्रोसेस नंबर टू, उसमें क्या होता है, सेपरेशन होता है। तो सेपरेशन किसका होता है, देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑफ द डिप्लीशन लेयर सेपरेट्स द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब यही समझ लो, इस डिप्लीशन लेयर में क्या होगा, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को सेपरेट कर देंगे। मान लो कि यहाँ पे ऐसे होल्स क्रिएट हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाते हैं, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इनको अलग अलग कर देगा, सेपरेट कर देगा, बहुत बढ़िया। फिर होता है कलेक्शन। अब जो भी ये सेपरेटेड चार्ज कैरियर्स है ये फिर कलेक्ट किए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर कलेक्टेड एट दी एन एंड पी साइड ऑफ दी कॉन्टैक्ट्स। तो एन और पी साइड्स में, यानी कि अपोजिट साइड्स में कलेक्ट हो जाते हैं ये सारे चार्ज कैरियर्स जो कि अभी अभी सेपरेट हुए हैं डिप्लीशन रीजन के इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां आपसे बोला हुआ है इन द फॉलोइंग डायग्राम एस इज अ सेमीकंडक्टर। ये एस दिख रहा है आपको, ये है आपका एक सेमीकंडक्टर। वुड यू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ आर टू कीप द रीडिंग ऑफ द एमिटर ए कॉन्स्टेंट व्हेन एस इज हीटेड। तो क्या आप इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे आर की रीडिंग, राइट, अगर आप
एमिटर की रीडिंग को कांस्टेंट रखने की कोशिश कर रहे हो, उस सेंस में क्या आप आर की वैल्यू को इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे जब आपने एस को हीट कर दिया। यानी कि आपके पास है एक सेमीकंडक्टर, इसको आप हीट कर रहे हो और आप ये चाह रहे हो कि एमिटर की रीडिंग जो है वो कांस्टेंट ही रहे, तो उसके लिए क्या आप इसको इंक्रीज करोगे या फिर डिक्रीज करोगे, एक जस्टिफाइबल रीजन के साथ आपको इसका आंसर करना है। तो और क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में आपसे बोला हुआ है कि सर्किट डायग्राम बनाओ फोटोडायोड का और इसकी एक्सप्लेन करो वर्किंग, और साथ में वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझानी है, इनफैक्ट ड्रॉ करनी है आपको। आइए, बड़ा सवाल है लेकिन बड़े तसल्ली के साथ डिस्कस करेंगे। तो जैसा यहाँ पे थीम है कि आपको किस तरीके से आंसर करना है ताकि आपको मार्क्स अलॉट होंगे, तो सबसे पहले तो करेक्ट चॉइस बताना है आर के बारे में, इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे। तो आंसर है कि आर वुड बी इंक्रीज्ड, यस आपका आर जो है वो इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा और क्यों इंक्रीज आपको करना चाहिए, इनफैक्ट कि जो रेजिस्टेंस होता है सेमीकंडक्टर के केस में वो डिक्रीज हो जाता है जब भी आप उसको हीट करते हो। अब इस डायग्राम को वापस देखो, जब आप इस सेमीकंडक्टर को हीट कर रहे होगे तो हीट करने के बाद इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। आप सोचो ना, आप किसी मटेरियल को हीट करते हो तो जो इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन है वो बढ़ जाती है और उनकी जो थर्मल एनर्जी है वो भी इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा जल्दी फ्लो करते हैं, तो वहाँ पे हिंड्रेंस जो है थोड़ा कम हो जाता है। यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस वहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली रेजिस्टेंस वहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए आपको खुद से रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि आपकी कोशिश तो यही रहती है कि एमीटर में जो रीडिंग है वो एक जैसी रहे, क्वेश्चन भी यही कहा हुआ था। अब जरा सोचो, अगर रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा हीट करने पे, ये तो फैक्ट है, तो आपने इंक्रीज नहीं किया तो होगा क्या, वहाँ पे एमीटर में रीडिंग ज़्यादा दिखाएगा, क्योंकि वो अब ऐसा प्रिटेंड करेगा एमीटर कि वो एक सेमीकंडक्टर की बजाय किसके साथ कनेक्टेड है, कंडक्टर के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि अब तो उस सेमीकंडक्टर को हीट करके आपने कंडक्टर जैसा बना दिया। तो आपको मेरी बात पूरी तरीके से समझ आ गई होगी, इसके साथ ही मैंने एक कॉन्सेप्ट्स भी आपको सिखा दिया। आगे बढ़ते हैं, तीसरे पार्ट में आपसे बोला हुआ था फोटोडायोड का जो है डायग्राम प्लॉट करो। तो बड़ा सिंपल होता है, एक हमारे पास पीएन जंक्शन होता है फैब्रिकेटेड, उसके बीच में आपके पास एक डिप्लीशन लेयर है, इसके ऊपर आपने क्या करना है, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइटरें इंसिडेंट करानी है, राइट, और जो उसकी एनर्जी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। उसके बाद आपको यहाँ पे कनेक्ट कराना है एक बैटरी, एक लोड या रेजिस्टेंस, और यहाँ पे कनेक्ट कराना है एक माइक्रो एमीटर। अब जो फोटोडायोड्स की वर्किंग भी आपसे पूछी हुई थी, तो आइए समझ लेते हैं। जब फोटोडायोड की हम बात करते हैं, तो व्हेन फोटोडायोड इज एल्यूमिनेटेड विथ लाइट फोटोन्स जिनकी एनर्जी एच म्यू होती है और वो ग्रेटर हो गया अगर बैंड गैप से या एनर्जी गैप से सेमीकंडक्टर के केस में, तो इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट हो जाते हैं, राइट। अब आप सोचो जरा, ये जो लाइट है यहाँ पे जिनको आप फोटोन्स कह रहे हो, ये इंसिडेंट हो रहे हैं और ये जो है ना ये हमारा है बैंड गैप या एनर्जी गैप, इससे ज़्यादा एनर्जी की लाइट अगर इस पे आ गई और गिरने के बाद ये क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के पेयर जो है वही जनरेट करेंगे, वही क्रिएट करेंगे। अब मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जो है वो क्रिएट भी हो गया, ठीक है, और ये सब होता इसलिए क्योंकि आपने ना फोटोन के एनर्जी को एब्जॉर्व कर लिया, किसने, आपने से मेरा मतलब है इस आपके फोटोडायोड ने, इनफैक्ट आपके पीएन जंक्शन ने, फोटोडायोड के अंदर जो स्पेसिफिक पीएन जंक्शन है उसने एब्जॉर्व किया और उसने फिर क्रिएट कर दिया इलेक्ट्रॉन होल पेयर। जंक्शन फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन होल जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, पीछे भी मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या होता है, जंक्शन के पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो अभी न्यूली क्रिएटेड इलेक्ट्रॉन होल्स हैं इनको कर देते हैं सेपरेट, अलग अलग कर देते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन होल जब ये सेपरेट हो जाते हैं तो उसके बाद ये वापस रिकम्बाइन होते हैं, ओके। अब जब ये रिकम्बाइन हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कलेक्ट किया जाता है एन साइड में और होल्स कलेक्ट किए जाते हैं पी साइड में, जिससे ईएमएफ राइज हो जाता है। अब आपके मन में सवाल चल रहा हो कि वापस तो रिकम्बाइन हो गए, फिर इलेक्ट्रॉन कैसे कलेक्ट किए जा रहे हैं, तो इसके बीच में एक ट्विस्ट है। देखो, यहाँ पे पहले क्रिएट हुआ इलेक्ट्रॉन होल, फिर यहीं के ईएमएफ के कारण यानी कि जो डिप्लीशन लेयर है इसके ईएमएफ के कारण वो सेपरेट हो गए। जब ये सेपरेट हो जाते हैं ना तो ये कलेक्ट किए जाते हैं इन इन साइड्स में और उसके बाद वो वापस रिकम्बाइन हो जाते हैं फर्दर, लेकिन जब तक ये रिकम्बाइन नहीं हो रहे तब तक तो ये यहाँ यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे और उस दौरान ये क्या इंक्रीज कर देते हैं, ये ईएमएफ इंक्रीज कर देते हैं। समझ में आ गया? तो अगर ईएमएफ इंक्रीज हो गया तो जो एक्सटर्नल लोड है इसके साथ कनेक्ट है उसमें करंट फ्लो करने लग जाएगा और यही हमें चाहिए भी होता है। यानी कि पीएन जंक्शन के इलेक्ट्रॉन से हम करंट फ्लो करवा रहे हैं लेकिन हमने मदद किसकी ली, लाइट रेज की मदद ली। आई होप आपको ये मेरी बात समझ आई होगी फुल डिटेल में।
आपसे आगे पूछा हुआ था कि वी आई कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डायोड का प्लॉट करके दिखाओ, तो बड़ा सिंपल होता है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस प्लॉट कीजिए। एक्स एक्सिस पे जो है आपको पॉजिटिव साइड में वोल्टेज दिखाना है, यहाँ पे आपको रिवर्स बायस का केसेस बताने होंगे और यहाँ पे आपको करंट दिखाना है बेसिकली। अब आप देखो अलग अलग इंटेंसिटीज़ की लाइट रे जो है वो आप लेके आ रहे हो, पहले की इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा है, दूसरे की कम है, और इस तरीके से सबकी इंटेंसिटी अलग अलग है, फाइन। अब यहाँ पे देखोगे कि ये जो पॉइंट है ना, ये रिवर्स करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो एरो नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जो हमारे पास इंटेंसिटी है, इस इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो अगर बढ़ा दूँ, ठीक है, क्योंकि आपको पता i4 ज़्यादा है i3 से, i3 ज़्यादा i2 से, तो इस तरीके से अगर i4 की मैं बात करूँ तो इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो इस केस में जो रिवर्स करंट है वो कम होगा, और i1 के केस में रिवर्स करंट जो है वो सबसे कम होगा, ठीक है। मतलब धीरे धीरे रिवर्स करंट की वैल्यू जो है वो घटती चली जाएगी। तो ये आपका VI कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, ये आपको समझ लेना है, ये 2017 में पूछा गया था। अब स्क्रीन पे दिए गए कुछ क्वेश्चन जो आपको खुद सॉल्व करने हैं, जहां आपसे बोला हुआ है कि सोलर सेल एक्सप्लेन करो और LED को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करो, जो मार्क्स लिखे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको इनका आंसर करना है। आई होप आज की क्लास में जितने भी डिस्कशंस को हमने कंटिन्यू किया था या समझा था आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, जय हिंद।